आज बन रहा है जी बहुत ही मज़ेदार गजरेला, और क्योंकि गाजरों का सीज़न आया हुआ है और रेड वाली गाजरें मिल रही हैं, और इसमें जितना मज़ेदार ये गजरेला बनता है ना। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है और क्विक है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने इंग्रेडिएंट लिया उसमें लिया है 5 लीटर दूध लिया है। ये दूध जो है फुल फैट मिल्क है, और सबसे पहले हमने काम करना है इसको बॉयल कर लेना है। गजरेला बनाने के लिए कुछ ऐसी डोंगी सी ले लें, ये बहुत अच्छी रहती है, इससे जो है आपका जो खीर या गजरेला लगता नहीं है। और साथ में जी हमारा दूध बॉयल हो रहा है, उतनी देर में ये मैंने गाजरें कद्दूकश कर ली हैं। ये तकरीबन आधा किलो गाजरें हैं, कोशिश करें ज़्यादा रेड वाली हों तो ज़्यादा मज़े का, और थोड़ा सा मीठी भी ज़्यादा होती हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके साथ हैं ये चावल, 1 कप मैंने राइस लिए हैं, ये ज़रा बड़े वाले राइस हैं, तो इसको मैं मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया मैंने, हल्का सा ग्राइंड किया है। तो आपने क्या करना है, 1 कप ऑफ चावल लेके उसे हमने मैश कर लेना है पार्शली। दूध को बॉयल आ चुका है तो अब मैं इसमें गाजरें ऐड कर रही हूँ, और गाजर के साथ ही मैं इसमें जो हमारे 1 कप जो मैश्ड राइस है ना वो भी ऐड कर दूँगी, और फिर इसे हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। साथ के साथ आपने चम्मच जो है हिलाते रहना है और नीचे नहीं लगने देना, अगर नीचे लग जाएगा तो फिर आपकी जो खीर है या गजरेला है उसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा, या लगने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्योंकि चावल नीचे बैठ जाते हैं तो आपने हिलाना नहीं छोड़ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसे हिलाते रहना है। और अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 इलायचियाँ ऐड कर दूँगी। इलायची की खुशबू से गजरेला का फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। अब हमारा गजरेला बस गाढ़ा हो चुका है, तो इस फॉर्म में हमने इसमें जो ऐड करना है वो है 1/2 कप ऑफ क्रीम। फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं, घर की यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये टेट्रा पैक के लिए है। इसके साथ 1/2 कप ऑफ पाउडर्ड मिल्क, किसी भी कंपनी का पाउडर मिल्क ले सकते हैं, और इससे ना बहुत अच्छा थिकनेस और बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, और साथ ही मैंने तकरीबन 1 कप ऑफ शुगर इसमें ऐड की है। शुगर ऐड करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लें मिक्स करके, और अगर आपको कम लग रही है तो उसमें और ऐड कर सकते हैं अपनी जायके के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक का जो है डिफरेंट टेस्ट होता है, कुछ मीठा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कुछ कम। तो जो मैंने ऐड किया है उसमें 1 कप ऑफ शुगर ऐड कर दी है। अभी गजरेला बिल्कुल तैयार है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं जी गजरेला बिल्कुल तैयार है, इसे मैंने डिश आउट कर लिया, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ रहा है इसका। और इसके ऊपर से जी मैं गार्निश करूँगी बादाम और पिस्ते के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर मतलब गजरेला बनाते हुए भी आप इसके अंदर बादाम और पिस्ता ऐड कर सकते हैं, और जो है मेरे बच्चे वगैरह पसंद नहीं करते तो मैं इसलिए से ऊपर से ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बादाम पिस्ता काजू, जिसकी भी आप सर्विंग चाहें इसके ऊपर डिश आउट कर सकते हैं। चांदी के वर्क बहुत अच्छे लगते हैं, वो इसके ऊपर डाल सकते हैं। सो फ्रेंड बिल्कुल तैयार है जी हमारा गजरेला, इसे आप मेहमानों के साथ सर्व करें और सर्दियों में इंजॉय करें, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आई होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, थैंक यू।